जय हिंद दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। जी हां दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होना सामान्य बात है। खरीफ सीजन हो या फिर रबी का सीजन हो, कमोबेश सभी सीजन में ही फसलों पर प्राकृतिक आपदा की गाज गिरती है। कभी भारी बारिश तो कभी ओला पाला से फसलों नुकसान होता है, तो कभी कीट पतंगों के कारण फसलों की व्यापक क्षति होती। ऐसे में सरकार आरबीसी के प्रावधानों के तहत किसानों को सहायता राशि तो देती है, उन्हें फसल बीमा भी सुरक्षा देती है, लेकिन उस समय स्थिति बन जाती है जब कई एकड़ में फसलों को नुकसान होने के बाद भी किसानों को बीमा कंपनियां 10-20 रुपए का भी भुगतान कर देती है। ये स्थिति आरबीसी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि की भी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसानों को फसलों के नुकसान पर कम से कम 5000 रुपए की तो सहायता राशि मिलेगी ही। इसके लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया। ये मामला लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन फजीहत के बाद आखिरकार सरकार जाग गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के किसानों को फसल बीमा के तहत इस वर्ष अभी तक 7,669 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार को इस मामले में विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल कई किसानों को 100 रुपए से भी कम की बीमा राशि का भुगतान किया गया, इसे लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। पुलिस भर्ती आरक्षक के 4000 पद के लिए आए 9 लाख आवेदन। कल 11 फरवरी को आवेदन का आखिरी दिन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पुलिस भर्ती के 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का 11 फरवरी को आखिरी दिन है। रात 12 बजे लिंक बंद हो जाएगी। अब एक पद पर 225 दावेदार हो गए। कॉन्स्टेबल के 4000 पदों के लिए 9 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। अब अंतिम समय में 10000 और आ सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी शुरू हुई थी। विभाग ने कहा था कि मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब मार्च में एग्जाम होना है। जी हां दोस्तों, लिखित परीक्षा शुरू होने की तारीख 6 मार्च है। इसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। इंदौर में 50 से ज्यादा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। इसके लिए बकायदा तैयारी चल रही है। सर्वे भी हो रहा है कि एग्जाम कैसे करवाई जाए। पुलिस भर्ती में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। शराब फिलहाल ना ऑनलाइन बिकेगी ना नई दुकानें खुलेगी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर जारी सियासत के बीच राज्य सरकार ने नई शराब दुकानें खोलने और ऑनलाइन शराब की नीति लागू करने से फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं। फिलहाल मौजूद नीति के तहत ही शराब दुकानों का संचालन होगी। नई नीति पर सरकार बाद में नए सिरे से विचार करेगी, जिसके लिए समाज सुधार की दिशा में काम कर रहे लोगों से भी सुझाव बुलाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, सरकार ने शराब नीति पर निर्णय टालने का फैसला निकट भविष्य में होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए लिया है, क्योंकि शराब को लेकर भाजपा में ही विरोध के स्वर उपज रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नशा मुक्ति के लिए 8 मार्च से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद नशा मुक्ति की शुरुआत कर चुके हैं। निकाय चुनाव को देखते हुए नशा मुक्ति का मुद्दा अभी और धूल पकड़ेगा। ऐसे में सरकार विपक्ष को किसी तरह का मुद्दा हाथ में नहीं पकड़ाना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि निकाय एवं पंचायत चुनाव के बाद सरकार फिर से नई शराब नीति लेकर आएगी। सरकार नई आबकारी नीति को 3 माह के लिए टालने पर विचार कर रही है, जिसके तहत प्रदेश में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल की बजाय अब 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को पिछले सप्ताह भेज दिया था। अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। कृषक मित्र चयन के लिए आवेदन 15 फरवरी तक। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा के अंतर्गत किसानों के चयन के लिए आवेदन पत्र 15 फरवरी 2021 तक आमंत्रित किए गए हैं। किसानों के लिए शैक्षणिक योग्यता, हाई स्कूल पास, 2 ग्रामों में से किसी 1 ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है, स्वयं की कृषि भूमि हो, शासकीय अर्धशासकीय अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद पर न हो, आपराधिक प्रकरण में दोषी सिद्ध ना हो, चयनित कृषक बंधु से भविष्य में शासकीय सेवा का दावा नहीं करने का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र लिया जाएगा। आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर द्वारा संबंधित विकास खंड से प्राप्त किए जा सकते हैं। चयन संबंधित जानकारी के लिए विकास खंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें।
माफिया के खिलाफ एक्शन। अब तक भू माफियों से मुक्त कराई गई 10,000 करोड़ से अधिक की जमीन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में माफियों के विरोध अभियान जारी रहेगा। प्रदेश में 1271 भू माफियों से 2000 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रूपए से अधिक। चिन फंड कंपनियों से 50,000 लोगों की 800 करोड़ की राशि वापस कराई गई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों से चर्चा के दौरान दी। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में माफियों के विरोध अभियान निरंतर जारी है। चिन्ह फंड कंपनियों की संपत्ति कुरकर प्रभावितों को पैसे वापस कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही गुम बच्चों को खोजने के लिए प्रदेश के बाहर भी टीमें भेजकर बच्चों की रिकवरी कराई गई है। उन्होंने बताया कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटी सामान बनाने वाले 6 कारखानों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसी प्रकार राशन की कालाबाजारी में लिप्त अधिकारी की संपत्ति जब्त कर जनता में राशन वितरित किया गया। इंदौर में हुई इस कार्रवाई का प्रभावी असर हुआ। राशन की कालाबाजारी में लिप्त 331 लोगों पर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रीगण को जानकारी दी। गुम बच्चों को खोजने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान संचालित है। इसके तहत अभी तक 9,500 बच्चों को रिकवर किया गया, जिसमें 80% बालिकाएं हैं। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय बजट में विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य हित में और विकास पर केंद्रित योजना विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बनाई। अचानक जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल, कलेक्टर, एसपी और बीजेपी नेताओं की लगाई पाठशाला। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का आज अचानक जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान मंत्री जी ने अपनी पाठशाला का आयोजन भी किया गया। इस पाठशाला में कलेक्टर, एसपी और कुछ भाजपा के नेता शामिल हुए। कृषि मंत्री ने एसपी और कलेक्टर की क्लास लगाते हुए उन्हें सफलता और सतर्कता का पाठ पढ़ाया। जी हां दोस्तों, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सफलता प्राप्त की जा सकती है, पर सतर्कता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तक सतर्कता नहीं आएगी, हमारी सफलता कोई मतलब नहीं है। इसलिए सफलता के साथ सतर्कता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जी हां दोस्तों, कृषि मंत्री ने कहा कि अभी तक किसान मेहनत करता आ रहा है, लेकिन माल कमाते थे। कुछ लोग ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून लेकर आए हैं। कृषि मंत्री ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कर्ज माफी पर झूठ बोला और इसी वजह से करीब 9,000 किसान डिफॉल्टर हो गए। केंद्र और राज्य सरकार कम करेंगे पेट्रोल डीजल पर टैक्स दर। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, पेट्रोल व डीजल कीमतें पेट्रोल पंप ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने केंद्र व राज्य सरकारों को पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटाने का सुझाव दिया है, ताकि पेट्रोल व डीजल की उच्च कीमतों से ग्राहकों को राहत मिल सके। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा हो गया। भोपाल में आज पेट्रोल का दाम 95.50 रुपए और डीजल 85.76 रुपए प्रति लीटर हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे इजाफे के चलते ये स्थिति बनी है। ये बढ़ोतरी इतनी खामोशी से हो रही है कि आम जनता को पता भी नहीं चल पा रहा है कि उसकी जेब लगातार हल्की होती जा रही है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 38 व डीजल पर 28% वैट मध्य प्रदेश में लिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, सुरभि ट्रेडर्स के संचालक शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने के असर दिख रहे हैं, क्योंकि खासकर डीजल के दाम बढ़ने का असर कई सेक्टर पर होता है। इससे किसानों की सिंचाई लागत बढ़ जाती है और माल बड़ा महंगा हो जाता है। माल बड़ा महंगा होने से हर तरह की वस्तुओं में महंगाई की आशंका बढ़ जाती है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा।